रही, लेकिन हमारी सरकारों ने हमें झूठे आश्वासन दिए। हमने बीजेपी को वोट देके चेयर पे बिठाया था कि हमारे जो पिछले इश्यूज हैं उनको वो सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा था पुरानी सरकारों की गलतियां हैं, लेकिन पुरानी सरकारों की गलतियां थी तो आपको चेयर पे किस लिए बिठाया था? आपने तो हमारे मुंह से निवाला तक भी छीन लिया, झूठे आश्वासन देके हमें यहाँ बिठाए रखा, हमारा कोई काम नहीं किया। और आज की डेट आप क्या सोचते हैं हमने यहाँ से छोड़ दिया? हमने छोड़ा नहीं, आपको खुद पता है यहाँ पे कोरोना था, हमने SOPs को फॉलो किया है। और हम ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने प्रोटेस्ट को छोड़ दिया। हम सेक्रेटेरिएट में जाते रहे हैं, हम एडवाइजर साहब से मिले, कभी किसी से मिले, लेकिन हमें यही आश्वासन दिया गया कि हाँ जी आपका काम हो रहा है। लेकिन आज हम मजबूर हैं, हम फिर से धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, हम फिर से सड़कों पे आएंगे, क्योंकि हमने देखा है हमारे साथ क्या यहाँ पे जितना यूथ जम्मू का है उस सबके साथ जो है वो बेइंसाफी हो रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को। हम ये कहना चाहते हैं कि आप किस मुंह से इलेक्शन की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पूरा युवा जो है वो सड़कों पे है, आप देखिए होमगार्ड्स देखिए, वो डेली वेजर्स देखिए, आप डेंटल सर्जन को देख लीजिए, आप BSF वालों को देखिए, हम 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स आप भूल सकते हैं, ये गवर्नमेंट भूल सकती है, लेकिन हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हमने अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम जो है वो यहाँ पे दिया है। आप क्या सोचते हैं हम अपना मसला ऐसे छोड़ देंगे? आपको चेयर्स पे बैठने का कोई राइट नहीं है। क्या करनी है हमने ये डेवलपमेंट, क्या करनी है आपके कॉलेजेस, क्या करेंगे हम सड़कों को, क्या करेंगे हम मेट्रोस को, क्या करनी है हमने जब यूथ के पास नौकरी नहीं है? आप लोगों का पहला फर्ज बनता है कि आप लोगों को यूथ के बारे में सोचना चाहिए, उनको नौकरियां प्रोवाइड करें ताकि वो लोग आपके की हुई डेवलपमेंट का फायदा उठा सके। आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस बना दोगे, लेकिन पढ़ेंगे कौन? आपके पूंजीपति लोग, आपके वो लोग जिनको आप फायदे दे रहे हैं, आपके अंडानी या अंबानी, ये कहें हम? आप मजबूर करते हैं यूथ को बोलने के लिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जम्मू की सड़कों पे आपको डेट में आपने देखा रोज के रोज पुल बंद हो रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है? आप लोग किस लिए चेयर पे बैठे हुए? उतर जाइए, छोड़ दीजिए चेयर्स। आप शर्म नहीं है आप लोगों को? कोई फायदा नहीं, हमें नहीं चाहिए आपकी डेवलपमेंट, नहीं चाहिए आप लोगों की डेवलपमेंट। आप हमारे बारे में सोचिए, नहीं तो आने वाली इलेक्शन में आपको वो जवाब देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। अभी तो कुछ नहीं है, 5 लोग हैं, हम धीरे धीरे करके पूरा यूथ इकट्ठा करेंगे, हम ये पुल पूरा बंद कर देंगे, आप लोगों को भी नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, आपकी आपकी भी सेंटर में सरकार है, हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो मनोज सिन्हा जी हैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप बाकी कामों को छोड़ के पहले यूथ के ऊपर ध्यान दीजिए। और जिन लोगों को आपने यूज ऑन थ्रो करके लॉलीपॉप की तरह फेंक दिया, 15-15 साल हमारे वेस्ट करें, हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए और हमें एब्जॉर्ब किया जाए, अदरवाइज ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये रजनी जम्वाल का वादा है कि मैं ये सारे यूथ को इकट्ठा करके ना फिर मैं बताऊंगी कि एक नारी शक्ति क्या कर सकती है। बंद कर दीजिए अपने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे, कोई फायदा नहीं है बेटियों का पढ़ने का। जवाब और आज की डेट में बड़ी शर्म की बात है कि हमारे सर जो है वो हमारे जितेंद्र सिंह जी है उनसे मिल के आए, उन्होंने ये कहा, चीफ सेक्रेटरी सर से बात की और वो ये कहते हैं कि इनके ऑर्डर बदल चुके हैं, अभी ये ऑर्डर खत्म हो गए। हाँ, इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनकी रेगुलराइजेशन बनती थी, बट ये ऑर्डर खत्म हो चुके हैं। अरे आपके ऑर्डर खत्म नहीं होते, आप अपने ऑर्डर अपने आप बना लेते हैं, अपनी पे आप कैबिनेट में बढ़ा लेते हैं, 2-2 लाख रुपए कर लेते हैं 60,000 से। आपके पास कौन सा ऑर्डर था कि एक MLA अगर एक महीना MLA बन जाता तो उसको 60,000 पेंशन दी जाएगी? आप हमारे ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किए थे, आपने चेंज किया, हमारी गलती नहीं है, आपने हमारा फ्यूचर स्पॉइल किया। आज की डेट में हमारे लोगों के पास फेयर तक नहीं है कि वो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहे थे, ऐसी गवर्नमेंट के होने का फायदा क्या? आप राम राज्य की बात करते हैं, राम का मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता, राम के आदर्शों पे चलिए। क्योंकि राम जो है वो रात को जाग के देखते थे कि कहीं मेरे प्रजा जो है वो दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सोया है। ये लोग AC में बैठ के जो है वो आराम की जिंदगी जीते हैं। और आज की डेट में हम लोगों ने बच्चों का फ्यूचर बनाया और हम लोग जो है वो सड़कों पे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। ऐसी सरकारों का क्या करना है? छोड़ दीजिए ऐसी सरकारों को। अरे नए यूथ को मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से कहना चाहती हूँ, अगर इस तरह से यूथ के साथ इनजस्टिस होता रहा, हमें जॉब्स नहीं मिली, तो छोड़ दीजिए ऐसी सरकार को वोट देना, वो सरकार लाइए जो सबके हित की बात को सोच सके। आज के युवा का ये फर्ज बनता है, अगर आप लोगों को ये न्याय नहीं देते हैं तो पॉलिटिक्स में खुद आइए और अपने जो मस्तविक जो आपका जो मुस्तविल है उसको स्वयं जो है उसका जो है वो निर्माण करें, क्योंकि ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी कि सर यहाँ पे जो है वो आप ऑल इन ऑल हैं, आज अब यहाँ पे किसी की सरकार नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे साथ इंसाफ करें, हमें कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करें।
ताकि हम लोग जो है वो फिर से कहीं गलत काम करने के लिए जो है वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि सभी को तकलीफ हो और फिर ये कहें कि युवा जो है वो विरोधी काम करते हैं, गलत काम करते हैं, क्योंकि युवा गलत काम नहीं करता, सरकारें मजबूर करती हैं युवाओं को गलत काम करने के लिए।